नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। शिक्षा मंत्री की बड़ी घोषणा, जनवरी फरवरी 2021 में नहीं होगी बोर्ड परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 22 दिसंबर को शिक्षकों के साथ लाइव बातचीत कर रहे थे। बता दें, श्री पोखरियाल कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए आगामी CBSE बोर्ड परीक्षा 2021 की चर्चा कर रहे थे और उन्होंने ट्वीट पर शिक्षकों द्वारा साझा किए गए प्रश्नों के संचालन के तरीके, CBSE परीक्षा की तारीखों, समय सारणी के बारे में जानकारी दी। शिक्षा मंत्री एक शिक्षक के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि फरवरी 2021 में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन हर साल होता आया है, पर इस साल कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखकर ये संभव नहीं लग रहा है। फरवरी 2021 के बाद विचार करके बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। सर्द हवाओं ने झारखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया है। बता दें, रांची में कनकनी बढ़ गई है। राज्य के अन्य जिलों में मौसम का भी ऐसा ही हाल है। सर्द हवाओं का असर गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और रांची में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति अभी 2 से 3 दिनों तक बरकरार रहेगी। बता दें, पिछले 24 घंटा के दौरान राज्य में अधिकतम तापमान चाईबासा का 26 डिग्री, वहीं न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री पलामू जिला के मुख्यालय मेदिनीनगर में रिकॉर्ड किया गया। 10वीं और 12वीं के स्कूलों में नहीं होगी जाड़े की छुट्टियां। मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा की तैयारी के मद्देनजर राज्य में 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए खोले गए हाई और प्लस टू स्कूल में जाड़े की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इन स्कूलों में 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी के अलावा अन्य किसी कार्य दिवस पर कोई छुट्टी नहीं रहेगी। इसके अलावा सभी शिक्षकों को स्कूल में ई विद्यावाणी ऐप के जरिए ऑनलाइन हाजिरी बनानी होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी की। बता दें, हाई और प्लस टू स्कूल में 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जाड़े की छुट्टियां निर्धारित की गई थी। रांची में नौसेना इकाई के स्थापना को मंजूरी। NCC के रांची स्थित ग्रुप मुख्यालय के अधीन नौसेना इकाई की स्थापना होगी। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए विभिन्न कोटि के पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई है। अब इससे संबंधित प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में भेजा जाएगा। नौसेना इकाई की स्थापना का प्रस्ताव पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ने तैयार किया है। झारखंड के सभी थानों में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन का मिलेगा अवकाश। झारखंड के सभी थानों में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। पुलिस मुख्यालय सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में सभी जिले के SSP SP को जल्द पुलिस मुख्यालय की ओर से आदेश जारी किया जाएगा। पुलिस कर्मियों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलने से वह तनाव से मुक्त होंगे और उन पर काम का प्रेशर कम होगा। बता दें, DGP MB Rao ने बताया कि राज्य के सभी थानों में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी दी जाएगी ताकि वह अपने परिवार के साथ समय बिता सके और अपना घरेलू काम को भी कर सके। 2 लाख का इनामी PLFI एरिया कमांडर पुनय उड़ा मुठभेड़ में ढेर। रांची पुलिस ने नगरी थाना क्षेत्र के चेट्टे गांव में मुठभेड़ में 2 लाख के इनामी PLFI एरिया कमांडर पुनय उराव को मार गिराया है। SSP सुरेंद्र कुमार झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए पुनय उराव को मार गिराया है। बता दें, पुनय उराव के ऊपर झारखंड पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पुनय खुट्टी, गुमला और रांची के सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंक बना हुआ था। पुनय उराव के खिलाफ रांची और खुटी के अलग अलग थानों में कुल 14 मामले दर्ज हैं। नए साल में गतिविधियों में आएगी तेजी, विकास को मिलेगी रफ्तार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नए साल में सरकार की गतिविधियों में तेजी आएगी, विकास की रफ्तार को गति दी जाएगी। इसकी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को साहेबगंज जिले के पतना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 29 दिसंबर को सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर कई योजनाओं की सौगात जनता को देंगे। जनहित से जुड़े मुद्दे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इसमें किसी तरह की कोताही न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने DVC के बकाया भुगतान को लेकर की बैठक। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने DVC के बकाया भुगतान को लेकर मंगलवार को विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें, बैठक में ऊर्जा विभाग के भी वरीय अधिकारी उपस्थित थे। उरांव को विभागीय अधिकारियों ने यह जानकारी उपलब्ध कराई कि DVC की ओर से बिजली बकाया को लेकर पूर्व में राज्य सरकार पर जो 5800 करोड़ रुपये के बकाया का दावा किया गया था, उस संबंध में पूर्व में ही बिजली विभाग की ओर से DVC और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को पत्र लिखकर यह जानकारी उपलब्ध करा दी गई थी। DVC का झारखंड सरकार पर सिर्फ
3500 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें से 1417 करोड़ रुपए डीवीसी के बकाये के रूप में राज्य सरकार के खाते से पूर्व में ही राशि की कटौती कर ली गई है। झारखंड में 209 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जो रांची से 104, पूर्वी सिंहभूम 31, बोकारो 18, धनबाद 11 तथा रामगढ़ से 10 नए संक्रमित मिले हैं। दुमका, पाकुड़, साहिबगंज तथा सरायकेला खरसावां में कोई नया संक्रमित नहीं मिला है, जबकि अन्य जिलों में 10 से कम संख्या में नए संक्रमित मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 113,407 है, जबकि 110,758 लोग स्वस्थ हुए और 1,014 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,99,304 है, जबकि 96,62,697 लोग स्वस्थ हुए और 146,476 की मृत्यु हो गई। भारत में नए केस 23,880 मिले हैं। भारत में कुल एक्टिव केस 2,87,432 है, वहीं झारखंड में एक्टिव केस 1635 हैं। किसान कर्ज माफी पर 29 दिसंबर को घोषणा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दावा किया है कि 1 रुपये में किसानों के 50,000 रुपये तक ऋण माफ किए जाएंगे। 29 दिसंबर को सरकार 1 साल पूरा करने जा रही है, इस मौके पर किसानों को सौगात दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी का वादा। बंगाल चुनाव से पहले झारखंड में रेड जोन को सक्रिय करने की तैयारी में नक्सली। पश्चिम बंगाल में संभावित चुनाव को लेकर नक्सली रेड जोन को पुनर्जीवित करने की तैयारी में जुटे हैं। इस क्षेत्र में नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के सीमांचल वाले इलाकों की LRP बढ़ा दी गई है। बता दें, रेड जोन जो पिछले कई साल से खामोश था, वहाँ नक्सलियों की गतिविधियाँ के प्रमाण मिलने लगे हैं। खुफिया शाखा के सूत्रों के मुताबिक नक्सली इस इलाके में अपने आप को पुनर्स्थापित करने की कोशिश करने की तैयारी कर रहे हैं। दुग्ध क्रांति की दिशा में 6 माह में झारखंड को मिलेंगे 3 नए मिल्क प्लांट। झारखंड सरकार ने दुग्ध क्रांति की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। प्रदेश को 3 और नए प्रोसेसिंग प्लांट 6 माह में मिलेंगे। पहला प्लांट देवघर सारठ में लगेगा, जिसका उद्घाटन 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बता दें, इसकी क्षमता 50,000 लीटर मिल्क प्रोसेसिंग की होगी। वही साहेबगंज और पलामू में प्लांट खोले जाएंगे। साहेबगंज का प्लांट मार्च महीने और पलामू का प्लांट जुलाई महीने के करीब खुलने की संभावना है। CRPF झारखंड सेक्टर के IG डॉक्टर महेश्वर दयाल गत सोमवार को मुठभेड़ में PLFI के रीजनल कमांडर और 15 लाख के इनामी उग्रवादी जिंदल गुड़िया को मार गिराने वाले जवान का हौसला बढ़ाने CRPF 94 बटालियन परिसर पहुंचे। उन्होंने अभियान में शामिल CRPF के जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और अभियान को अंजाम देने को लेकर बधाई दी। इसके बाद उन्होंने अभियान में शामिल अधिकारियों और जवानों को विभाग की ओर से नगद राशि व प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। लोहरदगा DC ने शिक्षा विभाग की समीक्षा की। लोहरदगा उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो की अध्यक्षता में मंगलवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जो विद्यार्थी कक्षा 8 में उत्तीर्ण होने के बाद कक्षा 9 में प्रवेश करते हैं, उनका 1800% सुनिश्चित किया जाए। ऐसे विद्यार्थियों का डाटाबेस तैयार किया जाए जो अपने माता पिता के साथ पलायन कर जाते हैं और पढ़ाई अधूरी रह जाती है। अगर उनके माता पिता के रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन की वजह से उनकी पढ़ाई छूट जाती है, तो इस डेटाबेस के आधार पर उन लोगों को इसी जिला में रोजगार मुहैया कराने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जाए। किसानों की समस्याओं को लेकर मेयर ने की कृषि मंत्री से मुलाकात। राज्य सरकार किसानों को उनके उपज धान का निर्धारित मूल्य भुगतान करने में पूरी तरह विफल है। किसान खलिहानों में जमा किए गए धान की बिक्री के लिए परेशान है। उन्हें अब तक न तो मंडी की सुविधा मिली है और न ही राज्य सरकार की ओर से खोले गए धान क्रय केंद्र का। मंगलवार को ये बातें मेयर आशा लकड़ा ने कही। बता दें, इससे पूर्व उन्होंने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से मुलाकात कर उन्हें किसानों को हो रही परेशानी का समाधान करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा। मेयर ने कहा कि वह स्वयं किसान की बेटी है, किसानों की मेहनत की उपज और सेठ साहूकारों व बिचौलियों के खेल से वह अच्छी तरह वाकिफ है। धन्यवाद। समय के अभाव के कारण आज के लिए बस इतना ही। तो कल से आपको 25 खबरें मिलते रहेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को 1 लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आपको बता दें, कंबल वितरण कार्यक्रम के द्वारा कंबल सभी के घरों तक भेज दिया गया है। उम्मीद है कि आप सभी को कंबल मिल चुका होगा। कंबल वितरण से संबंधित विशेष जानकारी आपको कल चैनल के द्वारा बताया जाएगा। थैंक यू।